हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यों 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आइए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इस मुद्दे पर एकांत में विचार किया जाए तो मन में एक सवाल जन्म लेता है कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए एक दिन की घोषणा करनी पड़ी। क्या इसका उद्देश्य शुरुआत से ही केवल महिलाओं को सम्मान देना था, या उन्हें अपनी परेशानियों से तंग आकर आक्रोश में इस दिन को मनाना शुरू किया? क्या भारत की ही तरह संपूर्ण विश्व में भी महिलाओं को अपने अधिकार, अपने सम्मान को पाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आज मैं अपने इस वीडियो में आप सभी के सवालों का जवाब देने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास और उसे क्यों मनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत साल 1908 में न्यूयॉर्क से हुई थी। उस समय वहाँ मौजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी जॉब में समय को कम करने की मांग को लेकर मार्च निकाला था। इसी के साथ उन महिलाओं ने अपने वेतन बढ़ाने और वोट डालने के अधिकार की भी मांग की थी। इसके एक वर्ष पश्चात अमेरिका में इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। इसके बाद साल 1910 में क्लारा जेटकिन ने कामकाजी महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सुझाव दिया। इस सम्मेलन में 17 देशों की करीब 100 कामकाजी महिलाएं उपस्थित थीं। इन सभी महिलाओं ने क्लारा जेटकिन के सुझाव का समर्थन किया। इसके बाद साल 1911 में सर्वप्रथम 19 मार्च के दिन कई देशों में यह दिन एक साथ मनाया गया। इस तरह से यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, परंतु अब तक इसे मनाने के लिए कोई दिन निश्चित नहीं था। इसके बाद 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने तंग आकर खाना और शांति, ब्रेड एंड पीस के लिए विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध इतना संगठित था कि सम्राट निकोस को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इसके बाद यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। रूसी महिलाओं ने इसी दिन इस हड़ताल की शुरुआत की थी। रूसी महिलाओं ने जिस दिन इस हड़ताल की शुरुआत की थी वह दिन 28 फरवरी था, और ग्रेगेरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था। तभी से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इस सब के बावजूद इसे आधिकारिक मान्यता कई वर्षों के बाद 1975 में मिली। इसी वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक थीम का स्थान मनाने का निर्णय लिया गया था। इसकी सबसे पहली थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर थी। तो दोस्तों, महिला दिवस का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का उद्देश्य समय के साथ और महिलाओं की समाज में स्थिति बदलने के साथ परिवर्तित होते आ रहे हैं। शुरुआत में जब 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी, तब महिलाओं ने मतदान का अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अब समय परिवर्तन के साथ इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। महिला दिवस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिला और पुरुषों में समानता बनाए रखना है। आज भी दुनिया में कई हिस्से ऐसे हैं जहां महिलाओं को समानता का अधिकार उपलब्ध नहीं है। नौकरी में जहां महिलाओं को पदोन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं। कई देशों में अब भी महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले भी अब भी देखे जा रहे हैं। महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य लोगों को इस संबंध में जागरूक करना भी है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कई पीछे है, और महिलाओं का आर्थिक स्तर भी पिछड़ा हुआ है। महिला दिवस मनाने का एक उद्देश्य महिलाओं को इस दिशा में जागरूक कर उन्हें भविष्य में प्रगति के लिए तैयार करना भी है। अगर हम 1911 में जब इसे कई देशों में साथ मनाया गया था, तब से लेकर इस वर्ष तक की गिनती लगाएं, तो साल 2019 में यह 108वां महिला दिवस होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। यह पूरे विश्व में एक साथ 8 मार्च 2019 को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा।
दोस्तों साल 1996 से लगातार महिला दिवस किसी निश्चित थीम के साथ ही मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम 1996 में इसकी थीम अतीत का जश्न और भविष्य के लिए योजना है। इसके बाद लगातार हर साल एक नई थीम और नई उद्देश्य के साथ इसे मनाया जाता है। साल 2019 में भी इस दिन के लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। साल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम होगी थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज है। इस साल इस थीम का उद्देश्य नई सोच के साथ लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा इस वर्ष महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति में ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और खुश रहें।